जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम प्रशासन विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाता है। इसके बावजूद महानगर वासियों को जाम से निजात नहीं मिलती है। जाम से निजात पाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर शहर में प्रमुख स्थानों पर नगर निगम द्वारा पार्किंग व्यवस्था कराई जा रही है। गोलघर की सड़कों के किनारे दोपहिया और चार पहिया खड़ा करने वालों लोगों से वाहन शुल्क वसूला जाएगा। सड़क के किनारे ठेले पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को पूरी तरह से हटाया जाएगा। जो दुकानदार मनमानी करेगा उनका लाइसेंस रद्द करने का काम नगर निगम प्रशासन करेगी। इसी क्रम में गुरुवार को जलकल बिल्डिंग के पास नगर निगम के कर्मचारियों ने एक होर्डिंग लगाया जिस पर वाहनों से वसूलने वाला शुल्क राशि अंकित था। फिलहाल जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम प्रशासन का ये अभियान कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कर विभाग के लिपिक संत कुमार सिंह ने कहा, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, एकदम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दुकान लगाने के लिए नहीं आ जाएगा, अरे ठेला लगेगा, ठेला लगाने लगेगा, जो भी ठेकेदार होगा उसकी जिम्मेदारी दी गई है। कोई अतिक्रमण नहीं होगा, कोई ठेला नहीं लगेगा, कोई दुकान अगर लगेगा तो इनका ठेका कैंसिल होगा। हटो हटो, अरे यार कह रहे हैं संत कुमार सिंह, नगर निगम लिपिक, रेंट विभाग। मंडलायुक्त महोदय के निर्देश क्रम में नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुसार जो है महानगर में 13 स्थलों पर पार्किंग सुविधा जो है जनता के लिए बनाई गई है, जनमानस की सुविधा को देखते हुए, ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। जिसमें 13 स्थलों का निविदा हुआ था, 5 स्थल जो है स्वीकृत हो गए हैं, जिनकी बोर्ड लगवाने की कार्रवाई आपके द्वारा सामने देखने चल रही है। बाकी 8 स्थलों की और चिन्हित करके टेंडर निकाला गया है, उनकी भी जल्दी ही जगह जगह बोर्ड लगा दिए जाएंगे और शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाया जा सकेगा। विरोध का भी सामना करना पड़ा आपको दुकानदार? नहीं, जनता खुश है, जनता को आवागमन में सुविधा हो जाएगी, दुकानदारों के विरोध से कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि ये जनहित का मामला है, जनहित के मामला को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ये जो ठेले लगते हैं, नहीं, इनके लिए पटरी व्यवसाय संघ बनाया गया, इनको पटरी पे चिन्हांकित करके इनको स्थल दिया जाएगा, इनके लिए भी कार्य किया जा रहा है।